दरबार की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। आज यहाँ बड़ी खुशी का समय है, दादा गुरु महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। श्री गुरु दरबार लगा है, दादा गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी सभी विराजमान हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, सच्चा दरबार है। दादा गुरु महाराज जी का जन्मदिन जगह जगह मनाया जा रहा है। राजौरी गार्डन आश्रम में 7-8 दिन पहले प्रभात फेरी, सुबह प्रभात फेरी और शाम को सत्संग, कितना आनंद है। कितनी उत्साह से दादा गुरु महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सभी प्रेमी बड़ी उत्साह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादा गुरु महाराज जी वो हस्ती हैं जो संसार में आए बड़ी ताकत लेकर। वो तो एक अवतार थे, उनका अवतार हुआ संसार में। श्री नंगली निवासी भगवान का जब अवतार हुआ, उनसे पहले उनकी हिफाजत करने के लिए दादा गुरु महाराज जी धरा पर आए। दोनों हस्तियों ने मिलकर जो संसार में तहलका मचाया, वो सब आप जानते हो। दादा गुरु महाराज जी अपने समय में जब भ्रमण करने जाते थे, तो वह किसी पोस्ट मास्टर के घर, पोस्ट मास्टर के ऑफिस में जाते थे, तो वहाँ बैठकर उनको सत्संग सुनाया करते थे। कभी कभी पोस्ट मास्टर पाठ भी रखवा लेते थे और पाठ करवाते थे। बहुत प्यार था पोस्ट मास्टर का दादा गुरु महाराज जी से। दादा गुरु महाराज जी भक्कड़, वो किसी चीज़ की इंतज़ार नहीं करते थे कि मुझे मेरे साथ इतना व्यवहार अच्छा करो या मुझे खाना है या पीना है, ऐसा कुछ नहीं था उनके। तो पोस्ट मास्टर की एक बेटी थी, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई। पोस्ट मास्टर जी बहुत परेशान रहते थे। एक बार दादा गुरुदेव उनके ऑफिस में आए तो वो कहने लगे कि मेरी बेटी छोटी सी विधवा हो गई है, पहले समय में दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं होती थी। तो कहने लगे उसको नाम दीजिए, आप उनके हमारे घर में जाते हैं, उस नगर में जा रहे हो, तो मेरी बेटी को नाम दे देना। जब वो उनके घर में नाम देने के लिए पहुँचे, तो उनकी पत्नी जो थी वो बैठी थी पोस्ट मास्टर की, कहने लगी इतनी छोटी उम्र में ये नाम दीक्षा ले रही है, और मैंने तो सारा जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया, क्यों ना मैं भी नाम ले लूँ। गुरु कृपा की बात होती है, दादा गुरु महाराज जी के अंदर इतनी ताकत थी, उसने हाथ जोड़कर कहा मुझे भी नाम दे दो, मुझे भी नाम दीक्षा दीजिए। तो उसने नाम दीक्षा ले ली, लेकिन दादा गुरु महाराज जी की उस पर बहुत कृपा हुई। जैसे ही उसने नाम लिया और वो इतनी आनंदमय हो गई कि वो घंटों पाठ में बैठती, 3-3, 4-4 घंटे आनंद के अंदर लीन रहती। पोस्ट मास्टर जी सोचने लगे कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है, कितनी आनंदमय, इसको होश ही नहीं होती और ये अपना पाठ के अंदर आनंद लेती है। कुछ दिनों के बाद दादा गुरु महाराज जी उनके घर में फिर आए। पोस्ट मास्टर जी उनको अपनी पत्नी के पास ले गए, कहने लगे इससे आशीर्वाद दो, इससे बात करो, ये तो पाठ के अंदर इतनी लीन रहती है। जब दादा गुरु महाराज जी उसके पास खड़े हुए, उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन उसने नहीं देखा उनकी तरफ। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, उसने नहीं देखा, तो पोस्ट मास्टर जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि देखो गुरुदेव सामने खड़े हैं, इनकी तरफ देखो तो सही।
उसने सिर्फ हाथ ऊपर करके कहा, नहीं, मुझे अंदर से आनंद आ रहा है, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। देखो, ये वो दरबार है जो अंदर की भक्ति है, जो अंदर का प्रेम है। साक्षात वो सामने खड़े थे, लेकिन वो अंदर का आनंद ले रही थी। गुरुदेव, ये वो दरबार है। एक आशीर्वाद से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। नाम के अंदर जितनी ताकत है, किसी चीज़ के अंदर ताकत नहीं। कोई भी विपत्ति आ जाती है हमें, तो जब नाम हम जपते हैं तो गुरु कृपा बहुत हो जाती है। हमारा सच्चा दरबार, हमारे नंगली निवासी भगवान जी, उनका तो कहना ही क्या है, नंगली का तो पारावार ही नहीं है। सभी लोग जानते हैं, कहने की बात नहीं है कि नंगली निवासी भगवान का कितना रुतबा, अपने समय में उनका कितना रूप सुंदर था। आज भी नंगली दरबार में आकर देखो तो उनका पल में कैसा रूप होता है, पल में कैसा रूप होता है। गुरु महाराज जी के वस्त्र बदल कर जब हम आते हैं तो वो रूप बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब सुबह जाकर देखते हैं तो क्या बात होती है। तो जब पूर्णमासी के दिन तो उनका रूप ऐसा हो जाता है, हम खुद देखते हैं पल में अपना रूप बदलते हैं, पल में उनका रूप कैसा हो जाता है, देखते ही रह जाते हैं। बातें करते हैं वो, ऐसे लगता है जैसे वो सब बात कर रहे हैं। उनका जो भी कोई उनको देखता है, ऐसे लगता है वो मुझे ही देख रहे हैं। उनका देखना ही ऐसा है, नंगली वाले तेरा तकना क्या बात है। ये बात ऐसी नहीं है, नंगली वाले का तकना ऐसा है कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, सभी जाते हैं, सब भूल जाते हैं अपनी हस्ती, लेकिन अपना प्रेम जो है, अपनी सच्ची पुकार जो है, जैसा हमारा प्रेम होगा वैसा ही हमें वहाँ पर दर्शन होंगे। सच्चा प्रेम लेकर जाओगे तो सच्चा प्रेम ही मिलेगा। ये सच्चा दरबार है। गुरु महाराज जी के समय की बात है, उनका इतना रुतबा था, उनका मुख देखते ही लोग कांप जाते थे, प्रसन्न चित्त हो जाते थे। गुरु महाराज जी अक्सर ही सैर करने जाया करते थे। जब वो सैर करके करने गए तो वहाँ पर बैठ के सबको पास लेकर सत्संग कर रहे थे। काफ़ी देर सत्संग चलता रहा तो करते करते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। गुरु महाराज जी ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है। किसी महात्मा से उन्होंने कहा, जाओ टॉर्च ले आओ, जल्दी से लेकर आना। वो महात्मा जी भागे, लेकिन परम महाराज जी, स्वामी परमहंस महाराज जी जो थे, परम महाराज जी परमपुरी के, तो वो भी पीछे भाग पड़े उनके। जैसे ही वो दौड़े उनके पीछे, वो भी दौड़ने लग गए। उस महात्मा ने देखा कि मुझे गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है, तो वो भी पीछे भागने लगे। वो और तेज हो गए कि कहीं ये ना टॉर्च लेकर आ जाएं। आश्रम के अंदर गए, टॉर्च उठाई उस महात्मा ने और फिर वापस दौड़ पड़े। और परम महाराज जी उसके पीछे पीछे दौड़ते आ रहे हैं। परम जी को देखकर वो और तेज दौड़ते हैं। जब वापस आए तो उन्होंने टॉर्च झट से गुरु महाराज जी के पलंग के ऊपर रख दी और परम महाराज जी ने भी उसको हाथ लगा दिया। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, ये टॉर्च लाया कौन है? तो वो कहने लगे कि मैं लाया हूँ, जो महात्मा को उन्होंने कहा था। तो परम महाराज जी कहते, हम दोनों ही लाए हैं। कहते, एक टॉर्च को दो कैसे ला सकते हो? तो उन्होंने कहा, हम दोनों इसलिए लाए हैं, आपने आदेश दिया कि जल्दी से टॉर्च ले आओ, और मुझे लगा ये महात्मा देर ना लगा दे, इसलिए मैं इसके पीछे भागा, ताकि ये मैं भागूंगा तो ये और तेज भागेगा। तो वो भी तेज तेज भागे और फिर टॉर्च लेकर आ गए। इसको जल्दी टॉर्च लाने के लिए मैं इसके पीछे भाग रहा था। ऐसा आनंदमय समय था वो, ऐसी कृपा करते थे वो सबके ऊपर, सबको सेवा बख्शते थे। बस ऐसा दरबार है, क्या कह सकते हैं इस दरबार के बारे में।
ये तो सब आप जानते ही हो। आज दादा गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष में छोटा सा भजन बोल रही हूँ। समय तो बहुत कम है लेकिन थोड़ा सा बोलती हूँ। हप्पू बाबा ने जन्म लिया, हप्पू बाबा ने जन्म लिया, सारे जय 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 बोलो। Bolo, bolo, jai, 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 bolo, bolo, jai.